हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ GST काउंसिल को लेकर के। GST काउंसिल की 45 मीटिंग लखनऊ में फ्राइडे को ऑर्गेनाइज हुई और इसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा चेयर किया गया। कुछ की डिसीजन निकल करके आए इस GST काउंसिल से जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फोर्टिफाइड राइस टर्म है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें ये बोला गया है GST काउंसिल में कि इसके ऊपर जो पहले टैक्स 18% लगता था फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स के ऊपर, उसको अब 5% तक कर दिया गया, मतलब रिड्यूस्ड कर दिया गया है इसके ऊपर टैक्स को लेकर के। व्हाट इज़ फोर्टिफाइड राइस? ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बैकग्राउंड क्या है। 15 अगस्त को हमारे PM स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने बोला कि हमारे इंडिया में वीमेन और चिल्ड्रन का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी कम है, उसको दोबारा से इंक्रीज़ करने के लिए हम PDS सिस्टम, इसके अलावा मिड डे मील स्कीम के तहत हम बच्चों को और जो घर हाउस होल्ड्स हैं उनको हम फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करवाएंगे ताकि जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको कंप्लीट किया जा सके। फोर्टिफाइड राइस में क्या किया जाता है, जो राइस है उसका फ्लोर, उसका आटा बनाया जाता है, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद में उन दोबारा जो आटा है उसको तैयार किया जाता है, दोबारा से सेम चावल की जो शेप होती है उसी तरीके से उसको दोबारा से प्रिपेयर किया जाता है। इसमें बस एड ऑन कर दिया जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, जिससे जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है, इसके अलावा जो अदर न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कर्ब किया जा सके। इसके अलावा GST काउंसिल में यह भी बोला गया है कि जो कैंसर ड्रग है केट्रूडा, उसको भी, उसके ऊपर जो टैक्सेज है उसको भी कम किया गया है। ओके, यहाँ पर अदर जो रिलेटेड चीजें हैं जो की डिसीजन निकल करके आए हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। GST काउंसिल में अभी अभी ये बोला गया, देखो, कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अभी इंक्लूजन नहीं किया जाएगा। ओके, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि व्हाट इज GST काउंसिल। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 279A के तहत ये आती है। जो ये GST काउंसिल है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 एंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये हुआ था, उसके तहत इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कोशिश कर रहा है, लास्ट 1 मंथ में उन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज को फिल करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की है कि जो भी वैकेंसीज हैं हमारी जुडिशरी में उनको टाइम के अकॉर्डिंग फिल किया जा सके, ताकि जो एक लॉन्ग टर्म में जो प्रोसीजर चल के आता है, जो बहुत ज़्यादा बर्डन इंक्रीज हो रहा है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, उसको कम किया जा सके। ओके, अब यहाँ पर लास्ट 1 मंथ में हमारी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने क्या क्या किया है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 100 जुडिशियल अपॉइंटमेंट से ऊपर रिकमेंडेशन देती है, जिसमें बहुत सारे ट्रांसफ़र और जजेस का एलिवेशन ये भी इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में खुद में अगर हम बात करें तो 9 न्यू जजेस अपॉइंट किए गए हैं, उनको ओथ दिलवाई गई है। 8 हाई कोर्ट में जजेस का जो एलिवेशन है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के रूप में उनका एलिवेशन है उसको रिकमेंडेट किया गया है। 5 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का जो ट्रांसफ़र है उसकी रिकमेंडेशन दी गई है। अब आपका क्वेश्चन आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, ये जो कॉलेजियम वर्ड है इसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन लोग शामिल होते हैं जो मिलकर के ये सारे फैसले करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, कल हमारे इंडिया में एक दिन में 2.5 करोड़ COVID-19 की डोज दी गई। कल हमारे जो PM मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को एक तरीके से गिफ्ट देने के लिए ये सारी कोशिश की गई। इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो, दिल्ली सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो पोल्यूशन लेवल है वहाँ पर उसको कर्ब किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। इसी के लिए उन्होंने जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी की है, क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम दिल्ली में ये होती है कि कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से जो डस्ट पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो प्राइवेट एजेंसीज इसमें शामिल हैं, इंक्लूड हैं, उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि आपको इन सभी को फॉलो करना है। देखो,
अब दिल्ली सरकार ने क्या क्या अपनी तरफ से इनिशिएटिव किए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने अभी हमने कुछ समय पहले फायर क्रैकर्स के ऊपर उन्होंने कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। दूसरा उन्होंने किया है अपनी तरफ से स्मोक टावर को इंस्टॉल किया है। कनॉट प्लेस में स्मोक टावर इंस्टॉल करके वो चाहते हैं कि जो पोल्यूशन लेवल है उसको खत्म किया जा सके। थर्ड अगर हम बात करें तो उन्होंने कोशिश की है कि दिल्ली के आसपास वाला जो रीजनल एरियाज हैं उसमें क्या किया जा सके, जो अदर स्टेट हैं वो मिलकर के कोशिश करें, तभी हम पोल्यूशन लेवल को कम कर सकेंगे। कोशिश उन्होंने ये की कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें कार्रवाई करे, तभी जाकर के जो अदर स्टेट हैं वो इन सारी रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर अगर हम देखें तो पूसा के साथ में मिल करके दिल्ली सरकार ने बायोडिकम्पोजर तैयार किया और इसको यूज़ किया गया जहाँ पर जिन खेतों में जिन फार्म में स्टबल बर्निंग होती थी और स्टबल बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता था, तो उसका अल्टरनेट ढूंढने की भी दिल्ली सरकार ने कोशिश की। फार्मर्स को इस बायोडिकम्पोजर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और वो इसको रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि फार्मर्स का जो इनपुट है फार्मिंग में वो कम हुआ है। दूसरा जो सोइल की फर्टिलिटी है उस बायोडिकम्पोजर की वजह से वो भी इंक्रीज हुई है। अब ये सारे एग्जांपल मैं क्यों दे पाई, कैसे दे पाई, इसका कारण ये है कि रेगुलर जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके रेगुलर माइंड में रहने लग जाती हैं। ये सारे जो एग्जांपल हैं वो किसी मैंने मैगजीन से नहीं उठाए हैं, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपके एक रेगुलर एक हैबिट डेवलप होती है। आप किसी भी मान लो आपने दिल्ली सरकार क्या क्या कोशिश कर रही है पोल्यूशन को कर्व करने के लिए, ये सारी चीज़ें सीरीज में रेगुलर चलती आ रही है कि किस तरीके से वहाँ के जो भी मिनिस्टर हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की जो सरकार है वो रेगुलर कोशिश कर रही है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से ये होता है कि धीरे धीरे आपका जो बेसिस है ना, जो आपका फाउंडेशन है, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली डेवलप होने लग जाता है। ओके, तो सब कुछ आप अवॉइड कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, कम से कम एक बार जो रीडिंग होती है न्यूज़पेपर की वो ज़रूर आपको करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इसी से आपका जो माइंड है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हो पाता है। ओके, हम टॉपर्स के व्यू सुनते हैं और टॉपर्स के व्यू में एक बात बोली जाती है कि टॉपर्स ये बोलते हैं कि देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए धीरे धीरे उसमें स्लोली प्रोसीजर होना चाहिए और वो स्लोली प्रोसीजर में एक तरीके से जो न्यूज़पेपर है वो इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो केरला गवर्नमेंट ने अनुमति मांगी थी कि हमारे यहाँ पर जो फिजिकल एग्जाम है उसको हम ऑर्गेनाइज करवा सकें। कारण उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर बहुत ही मेजर गैप देखने को मिला, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की एक्सेस है ही नहीं, तो उन बच्चों से जो ऑनलाइन मोड, अगर माना जाए कि ऑनलाइन मोड के थ्रू एजुकेशन जो एग्ज़ाम है वो लिए जाए, तो वो बच्चे तो कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन मोड को। तो इस प्रॉब्लम को, इस गैप को फिल करने के लिए ऑफलाइन मोड के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल एग्जाम होल्ड करवाने के लिए उनको अनुमति दे दी है। ओके, देखो ये जो गैप देखने को मिला ना स्टूडेंट्स में, एक हायर लेवल मतलब अदर लेवल, जैसे ऐसे बच्चे जिनके पास में गैजेट्स जेंट्स से, जिनके पास में नेट की कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल थी, और ऐसे बच्चे जिनके पास में इस तरीके के कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। अभी स्कूल एक सर्वे पब्लिश हुआ है और उसमें माना गया कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर 24% और रूरल एरियाज़ में 8% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोविड के दौरान जब स्कूल बंद रही तब सिर्फ इतने बच्चों ने ही ऑनलाइन एजुकेशन ली थी, ऑनलाइन वीडियोज़ को अवेल किया था। ओके, अब ये देखो, ये गैप देखो आप, इस गैप को फिल करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तभी जाकर के इस गैप को हम अच्छे से फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ट्राइब्यूनल को लेकर के। रेगुलर हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि ट्राइब्यूनल को लेकर के गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दी उसमें जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से नाम चुन रही है, वो चाहती है कि जो नाम पीछे लिखे हुए हैं जिनके लिए जो जुडिशरी ने ये बोला कि हाँ आप इन नामों को भी चूज कर सकते हो, और जो नाम मेन लिस्ट में सजेस्ट किए गए उनके स्थान पर जो गवर्नमेंट है वो अदर नेम्स को चूज कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी बोला गया कि आप ये जो नाम जिस तरीके से चूज करने का अपना प्रोसीजर निकालना है ना, ये कोई चेरी पिकिंग नहीं है कि आप चेरी ढूंढ ढूंढ के उठा रहे हो। हमने नाम रिकमेंडेशन अगर हमने दी है तो बहुत सोच समझ करके उनके बारे में हमने रिकमेंडेशन दी होगी। तो ये मेजर कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है जुडिशरी के बीच में और एक तरीके से
जो गवर्नमेंट है उसके बीच में अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, ट्राइब्यूनल्स में जो भी वैकेंसीज हैं उनको फिल करने को लेकर के। लास्ट में इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई है कि देखो जो ट्राइब्यूनल का जो इश्यूज है वो गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में एक मेजर फ्रिक्शन है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि ट्राइब्यूनल में आपको जिनको भी अपॉइंट करना है उसके लिए अलग से आप एक कमीशन बनाए हैं, वो कमीशन जो फिक्स करेगा कि ट्राइब्यूनल में कब किसको अपॉइंट करना है, कितने समय के लिए अपॉइंट करना है, तो उस ट्राइब्यूनल से, उस कमीशन से जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो ही शानदार होगा और गवर्नमेंट भी उसको ईजिली अप्लाई कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखो हमारे पीएम को अभी तक जो भी गिफ्ट मिले ई ऑक्शन के थ्रू, उनको जो गिफ्ट मिले हैं उन गिफ्ट का ई ऑक्शन की जा रही है और उस सारे पैसे को यूज़ किया जाएगा नमामि गंगे जो मिशन है उसमें। अब ये नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है, नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसको जून 2014 में स्टार्ट किया गया था ताकि इसमें दो कामों के ऊपर फोकस किया जाएगा, एक तो जो गंगा रिवर है उसमें पोल्यूशन लेवल को कम करना और दूसरा जो नेशनल रिवर गंगा है उसका कंजर्वेशन करना और उसका रिजुवेनेशन करना, इन दो कामों के ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब एक तो पोल्यूशन को कम किया जाएगा और दूसरा काम किया जाएगा उसका रिजुवेनेशन के ऊपर, उसके रिनोवेट करने के लिए, ये दो काम के ऊपर फोकस करके इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। अब ये जो ई ऑक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज करवा जाएगा। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही तो आता है ना, है ना, ये तो नॉर्मल जानकारी के लिए बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज नहीं करवाएगा इसका, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस ई ऑक्शन को करवाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। के कस्तूरी रंगन ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले जो 10 साल हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टाइम फ्रेम प्रोवाइड करेंगे। मतलब 10 साल में जाकर के ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी और फिर आगे आने वाले जो 10 साल हैं वो इवेल्युएशन में लगाए जाएंगे कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया में अप्लाई की जा रही है इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आ रहे हैं, तभी जा करके हम इसके ऊपर अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए, देखो मिस्टर बाइडेन यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मिथेन एमिशन को लेकर के नए कुछ प्लान्स अनवेल किए हैं। वो चाहते हैं कि देखो जो मिथेन है वो एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसका काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में भी 80 टाइम्स पोटेंट रखती है ग्लोबल वार्मिंग को कैपेसिटी को डेवलप करने में। हमें क्या करना है कि 40% जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे एमिशन होता है मिथेन का और 60% जो है वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्सेज जैसे कि लिव स्टॉक फार्मिंग, राइस एग्रीकल्चर, बायोमास बर्निंग और इन सारी चीज़ों से मिथेन का जो एमिशन है वो इंक्रीज होता है। तो इसके लिए जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि अदर कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेशन करें ताकि जो हमने टारगेट लिया है कि हम टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे उसको इजीली हम कर पाएं। ओके, COP26 की ग्लासगो में जो मीटिंग होने वाली है उससे पहले इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ पर जाकर के एक फ्रेम बनाया जाए, एक टाइमलाइन बनाई जाए कि इस टाइम में हम इस सब चीज़ों को अचीव कर लेंगे। अभी इंडिया में जॉन कैरी की विजिट हुई और जॉन कैरी जो है वो चाहते हैं कि इंडिया भी अपना एक टाइम फ्रेम डिसाइड करे कि कब जाकर के हम नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेंगे। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने 2050 का टारगेट स्टार्ट किया है, हालांकि इंडिया ने अपनी तरफ से कोशिश की है, इंडिया ने अपना टाइमलाइन डिसाइड नहीं किया लेकिन उन्होंने बोला है कि 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 450 गीगावाट तक इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारी यहाँ की रेलवेज हैं उन्होंने 2030 का टारगेट लिया है कि 2030 तक हम नेट जीरो एमिशन जो है उस टारगेट को अचीव करेंगे। ओके, तो ये अच्छी न्यूज़ है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक चीज़ हम ये देखेंगे कि वॉट इज़ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसेज को आप देखने के लिए ये पिक्चर देखिए, देखो सन से रेज आती हैं, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा एटमोस्फियर है। कुछ जो रेज होती है वो यहाँ पर एटमोस्फियर से रिफ्लेक्ट होती है और वापस जा करके बाहर निकल जाती है, मतलब हमारे अर्थ के एटमोस्फियर में एंटर नहीं कर पाती है।
कुछ जो रेज हैं वो इस तरीके से अर्थ के एटमोसफियर पे एंटर करती हैं, और इसमें से भी कुछ रेज जो हैं वो अर्थ से दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ जो रेज हैं वो हमेशा के लिए परमानेंटली यहीं पर ट्रैप हो जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं एटमोसफियर से, दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर के वापस अर्थ की तरफ आ जाती हैं। ओके, ये देखिए यहाँ से निकली, वापस यहाँ से वापस और दोबारा अर्थ के एटमोसफियर में आ गई। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे, अब देखो वैसे तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर का बैलेंस करने के लिए ये जो रेडिएशन है ना, इनका ट्रैप होना भी जरूरी है, तभी तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर सही रहेगा ना। अगर ज़्यादा कम टेम्परेचर रहा तो यहाँ पर सब कुछ जम जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा। तो टेम्परेचर इक्वल बनाने के लिए ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होने लग गई है कि हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउसेज गैसेज का बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ये जो गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा सन की रेज को ट्रैप करने लग गई। अब सन की रेज जब ट्रैप होने लग गई और बाहर निकल करके वापस नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये मेजर प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैसेज जो इफेक्ट है उसमें। अब मेजर जो गैसेज है उनके नाम आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा मिथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, फ्लोरिनेटेड जो गैसेज हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हैं ग्रीन हाउस गैसेज के लेकर के। क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैसेज के लिए बनाया गया, उस क्योटो प्रोटोकॉल में नाम बताए गए थे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, पेट्रोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, अब एक क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल थर्ड कोप की मीटिंग होती है, उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमारे इंडिया पूरे कंट्री में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने की कोशिश करें। 1997 की बात है और अब क्या चल रहा है 2021। अब देखो इतने टाइम से हम डिसाइड करने की कोशिश करें, उससे पहले भी 1992 से भी पहले भी पहली बार अर्थ समिट होती है, और उससे पहले भी 1987 से, मतलब बहुत सारी मीटिंग होने लग गई हैं। ओके, होने लग गई थी कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रिजर्व करना है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ ये डिसाइड ही किया जा रहा है कि कब तक फ्रेम डिसाइड किया जाए, कब तक प्रिजर्व करना है। और टेम्परेचर जो है, अभी IPCC की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो ये देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर जो है ये माना जा रहा है कि अगले दशक में ही जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मेजर इशू है, इसको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। HCO की मीटिंग चल रही है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें इंडिया ने भी और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सी जिनपिंग, दोनों ने बोला है कि मॉडरेट अफगानिस्तान होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी वायलेंस क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से जो रीजनल एरियाज हैं वहाँ पर भी काफ़ी परेशानी क्रिएट होगी। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।